आला आला हसवायला खेचा खेची फसवायला चिडवायला भिडवायला चामायला ए लाव रे तो ग्रीन पोपट ग्रीन पोपट ग्रीन पोपट। हेलो हाँ महेंद्र जैन बात कर रहा हूँ फिनिक्स एंटरटेनमेंट पुणे से। आप अजिंक्य बात कर रहे हैं ना? हाँ तो हमारी एक प्रोडक्शन फिल्म है तो उसके बारे में आपसे फोन किया था। ओ हिना सैयद एक हमारे यहाँ पे स्टाफ है, उसके कोई फ्रेंड आपके यहाँ ऑफिस में थी तो राइटिंग का शौक है ना आपको? हाँ है। हाँ तो उसके हिसाब से फोन किया था। तो सर एक हमारे शॉर्ट फिल्म एक बनाने वाले है यहाँ पे, शॉर्ट फिल्म। हाँ तो उसकी स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं करूँगा। ओके अभी आपके पास है कोई अभी आइडियाज वगैरह? मैं नहीं, अभी मेरा एक शॉर्ट फिल्म के ऊपर काम चल रहा है। अच्छा, मराठी फिल्म कर रहा हूँ, मराठी शॉर्ट फिल्म लिख रहा हूँ मैं अभी। मराठी शॉर्ट फिल्म कौन सा? एका लग्नाची न्यारी गोष्ट। एका लग्नाची न्यारी। अच्छा न्यारी मतलब वो खाना खाते है वो है ना न्यारी? नहीं न्यारी अजब 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 अजीब अजब गजब सा। अच्छा अच्छा तो आप लिख रहे हो? हाँ मैं लिख रहा हूँ। स्टोरी लाइन क्या है उसकी? स्टोरी लाइन मतलब कैसा रहता है, एक लड़का है लड़की है वो दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। तो कैसा हो जाता है तो फिर वो जो रहती है ना मतलब लड़के के घर की दादी जो रहती है, लड़के के दादी। अच्छा। उनको जो बहू चाहिए होती है वो चाहिए ऐसा उनका मतलब कहना रहता है ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके लिए वो लड़का और लड़की दोनों मिला के नाटक करते और घर वालों को ऐसे दिखाने की कोशिश करते। क्या करे आप, शॉर्ट फिल्म करे नाटक कर रहे? शॉर्ट फिल्म। मैं नाटक क्या बोले फिर? मेरी शॉर्ट फिल्म ही बोला मैंने। नहीं वो लड़का नाटक कर रहे है बोला ना, लड़का लड़की नाटक मतलब ड्रामा कर मतलब ऐसा दिखाना की कोशिश कर रहे है। लड़का जो रहता है ना वो लड़का उनके घर वालों के सामने क्या ये कोशिश करता है। हाँ शॉर्ट फिल्म करता है। शॉर्ट फिल्म नहीं, वो लड़का क्या दिखाता है कि ये लड़की कैसे ये दिखाने की कोशिश करता है, वो ड्रामा करता है। अच्छा फिर अच्छा समझ गए आप? हाँ समझ गया। और उसी हिसाब से फिर कॉमेडी कैसी होती है ये सब ये। एक कॉमेडी स्टोरी है क्या? अच्छा कॉमेडी प्लस सीरियल ऐसे दोनों है उसमें। अच्छा फ्लेवर दोनों डाले है उसमें आपने? हाँ अचार जैसा है, मीठा तीखा अचार जैसा है वो। ठीक है अच्छा। हाँ तो मेरी एक स्टोरी लाइन है, क्या आप काम कर सकते हैं उस पे? हाँ बताइए क्या आपकी क्या स्टोरी लाइन है। मेरी स्टोरी लाइन है झड़प, मराठी फिल्म है शॉर्ट फिल्म झड़प। झड़प नाम उसका। धड़क धड़क नहीं, झड़प झड़प झड़क झड़क नहीं सर जी, झड़प झड़प झड़प। हाँ ओके 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 समझ गए समझ गए। तो क्या रहता है उसमें, एक शादी रहती है। हाँ ओके। और शादी में एक जो हमारा हीरो जो है ना वो वहाँ पे फोटोग्राफी करता है शूटिंग। ओके। और वो लड़कियाँ वो पानी देने आती ना कैसे हाथ में हाथ घुमा के। हाँ। और उनकी आंखों में प्यार हो जाता है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं ऐसा पानी गिरता है पैंट पे। हाँ। और प्यार हो जाता है, उसका ही टाइटल है झड़प। हाँ। तो इस पे स्टोरी लाइन लिख रहा है। हाँ, बनाता हूँ ना। आप एक्टिंग भी कर रहे थे? एक्टिंग कर रहा हूँ ना, मतलब मेरा पहले वाला गांव है मीरज, मीरज का हूँ मैं। मीरज मतलब वहाँ यूपी में? मीरज नहीं, मीरज सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। अच्छा 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 अच्छा। हाँ एक मिनट, कॉल आ रहा है मुझे। हाँ सर जरा एक मेरी मीटिंग चल रही है, मैं कल बात करता हूँ। हाँ ओके ठीक है चलेगा। हाँ ओके। रॉन्ग नंबर लागला राव। केला खाली ग्रीन पोपट ग्रीन पोपट ग्रीन पोपट ग्रीन पोपट। म्हणजे तुम्हाला एक कुणाचा म्हणजे मित्राचा मैत्रिणीचा भावाचा नातेवाईकांचा ग्रीन पोपट करायचा असेल ना तर त्यांचं नाव माहिती आणि त्यांचा मोबाईल नंबर आमच्या व्हॉट्सअप नंबरवर कळवा। नंबर लिहून घ्या 70 57 42 64 46। हो नंबर पुन्हा एकदा 70 57 42 64 46। आणि ऐकत राहा ग्रीन पोपट 90.4 ग्रीन FM।